जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए सांझा यानी कि पार्टनरशिप, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज, जो कि हमारे हिमाचल सबॉर्डिनेट में जो पब्लिक कमीशन जो लेने जा रहा है, उसमें बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा जाता था इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो अब भी उम्मीद की जा रही है कि यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को देखकर इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या पता आपको यहीं से एक टाइप जो है क्वेश्चंस का आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चंस की सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाएं, मतलब कोई तीन पर्सन है, दो बंदे हैं या जितने भी बंदे हो सकते हैं, जो भी व्यापार में आपस में मिलकर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो वो अलग अलग समय के लिए पैसा लगाते हैं। वैसा ही ये प्रश्न हमने दिया है। क्या है क्वेश्चन? राम, श्याम और मोहन तीन पर्सन हैं, एक ने 15,000, दूसरे ने 18,000, तीसरे ने 21,000 रुपया। मतलब तीन पर्सन थे, राम, श्याम, मोहन, और जिनको क्वेश्चंस अपने आप आता हो ना, तो एक बार जरूर आप इसको ट्राई करिए और कमेंट कर दीजिए करिए कि मेरा आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो 15,000, 18,000 और 21,000 रुपया लगाया। किस किस ने लगाया? राम ने और श्याम ने और नेक्स्ट आ जाता है मोहन ने। कितने कितने पैसे लगाए हैं? 15,000। कितना लगाया है? 15,000। दूसरे ने लगाया 18,000, तीसरे ने लगाया 21,000। इतना ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। एक वर्ष के अंत में, यहां पर देखिए, एक वर्ष के अंत में उन्हें 90,000 का लाभ हुआ। इन तीनों ने जब बिजनेस कर लिया तो 90,000 रुपया कुल जो है वो उन्होंने लाभ के रूप में कमाया। अब बताओ कि मोहन को कितने रुपए मिले हैं, यानी कि सिर्फ मोहन के पूछे हैं, मोहन को कितने मिलेंगे? तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है। या आप 15,000, 18,000, 21,000 इसको टोटल कर लीजिए, कि सम कर लीजिए कि ये कितना है। मगर अब पेपर में क्या होता है, हमारे पास समय कम होता है, इसलिए हम इनकी कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए हम इसके 1000 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 1000 से जैसे भाग कर दिया, क्यों किया? क्योंकि ये जीरोस कम हो जाएंगी तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, तो उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने ऐसा किया है। अब यहां पर देखिए, ये एक ही टेबल से, एक ही पहाड़े में आ रहे हैं। कौन से टेबल में आ रहे हैं? तीन के टेबल में से सभी कट जा रहे हैं, कि 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो देख सकते हैं इतने बड़े डिजिट्स को हमने छोटे से एक स्मॉलेस्ट डिजिट्स में कन्वर्ट कर लिया है। इसका लाभ क्या है, अब हम फटाफट प्लस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 5 3 15 16 17 18, तो टोटल हो गया 18 आपका सम हो गया, यानी इनका टोटल सम हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है मोहन, कि मोहन को कितने पैसे मिलेंगे, तो मोहन को कितने पैसे मिलेंगे? तो मोहन का हमारा जो है वो 7, इसका अनुपात में कन्वर्ट हो चुके हैं ये, तो 7 टोटल अनुपात 18 गुना 90,000, ठीक है जी। अब 18 एकम 18 18 पंजे 90, ठीक है, और 7 बजे 35, यानी कि 35, तो ये 35,000 के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा बच्चों? 35,000 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 35,000 रुपया जो है वो मोहन को 90,000 में से मिलेगा, क्योंकि उसने जो पैसा है वो इन सबसे ज्यादा लगाया था। तो इसका आंसर जो है वो 35,000 रहेगा।
अगर कोई बोलता है नहीं सर आप मुझे राम का बताइए, तो मैं बोलूंगा बेटा राम का अनुपात आप ऊपर लिख लीजिए 5/18 टोटल अनुपात गुना 90,000, 18×5=90 और 5×5=25, तो यानी कि राम को कितने पैसे मिलेंगे 25,000। श्याम के निकालने हैं तो श्याम का अनुपात आप ऊपर लग सकते हैं, श्याम का 6/18×90,000, 18×5=90 और 5×6=30, 30,000। तो ये पैसा मिलेगा सबको, एक को 25,000, एक को 30,000, एक को 35,000, ठीक है। और आप इस पूरे को कैलकुलेट करिए, तो आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल निकलेगा 90,000। कितना निकलेगा 90,000, देखिए 30, 30, 60, 60, 70, 80 और 1, 10, 90, टोटल 90,000 हमारा ये निकल चुका है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में जो आंसर पूछा था वो पूछा था सिर्फ आपसे मोहन का, और हम मोहन की बात करें तो ये हल इसका जो रहेगा वो रहेगा 35,000। अगले सवाल की तरफ चलते हैं इसी प्रकार से। अगला सवाल क्या है, जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाएं, सेम सवाल। देखिए इसमें आपके पास क्या दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों तो आपके ये बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सीता, गीता और संगीता, सॉरी रीता, गीता और सीता, संगीता नहीं है सीता है, ठीक है। रीता, गीता, सीता ने 10,000 रुपया, ठीक है, एक ने 12,000 रुपया, एक ने 14,000 रुपया ये लगाया है, और उन्होंने निवेश किया और एक व्यापार शुरू किया, और उन्होंने 2 वर्ष के बाद, उनको 2 साल के बाद हुआ है 72,000 रुपये का लाभ, ठीक है। तो बताइए कि सीता को कुल कितना रुपए मिलेंगे, कमेंट कर सकते हैं। आपको मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया है, आपको उसको देखकर भी आपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमी रह गई है तो साथ साथ में इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। देखिए 1,000 से 3 जा रहे हैं इसको, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू छोटी बनानी है, तो 1,000 से भाग कर दीजिए इस प्रकार से, देख सकते हैं आप 1,000 से किया तो आपके पास बच गया है 10, 12 और 14, ये 2 के टेबल से पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, 2×5=10, 2×6=12, 2×7=14, फिर से वैसा ही बन गया है, पिछली ही रेशो बन गई है, 5, 5×15 हो गए 16, 17, 18, यानी कि टोटल रेशो कितनी होगी 18 की। अब मेरे बच्चों पूछा किसका है, सीता का, तो सीता की रेशो क्या है 7, तो 7/ टोटल 18×72,000, सॉरी 72,000 और 18 × 72 कितना आ गया 4,000, तो 7×28, तो यानी कि मेरे बच्चों जो क्वेश्चन है उसमें पूछा था सीता, तो सीता को 28,000 रुपया जो है वो मिलेगा, ये इस क्वेश्चन का हल रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन में अगर गीता का पूछा होता तो गीता का भी हम कैसे निकालते, पहले गीता की रेशियो क्या आ गई 6, तो 6 को ऊपर रखिए 18 नीचे, क्योंकि टोटल रेशियो जो है वो नीचे ली जाती है, तो मैंने टोटल रेशियो ये बताई हुई है 18 हमने की है, गुना जो टोटल पैसा है यानी कि लाभ हुआ है, तो 72,000, तो 18×72 और 6×24, क्योंकि अब इसने पैसा थोड़ा कम लगाया था गीता ने, देखिए 12,000 लगाया था, तो इसलिए इसका पैसा भी कम मिला, इसको ज्यादा मिला 28,000। मगर अभी जो सवाल का आंसर है वो यही पूछा था किसने, मतलब कि सीता ने को कुल कितना मिलेगा, तो 28,000 जो है वो इसका हल रहेगा। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये जरूर इनको ध्यान से नोट करिएगा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिहाज से, तो हम इनको अच्छे से परफेक्ट कर लें तो बहुत ज्यादा हमें लाभ हो जाएगा। तो इस वीडियो को भी साथ साथ में हाथों हाथ शेयर कर दीजिएगा। जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए ही लगाई जाएं, फिर से क्वेश्चन आ गया है आपके पास जिसमें आपके पास 3 वर्ष के लिए लगाई जा रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे 2 व्यक्तियों ने लगाया है पैसा, जिसमें पहले व्यक्ति ने 50,000 और दूसरे ने 60,000 रुपया लगाया है। यदि पहले व्यक्ति ने, क्वेश्चन में है, यदि पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपए निवेश किए हुए हैं, यदि पहले व्यक्ति ने जो है वो 20,000 रुपए जो हैं वो निवेश किए हुए हैं, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए निवेश किए थे। देखिए, एक ने किए हैं 50,000 रुपए और दूसरे ने किए हैं 60,000 रुपए, ठीक है, तो धंधा किया था। तो पहले ने 20,000 रुपए का निवेश किया था, तो ये इन्होंने धंधा जो है 3 वर्ष में एक इतने और इतने रुपए पाए थे, तो 20,000 ओवर दूसरे व्यक्ति के निकाले हैं तो इंटू टी, यानी कि इसका निकालना है। तो देखिए तीनों का ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 चौके 20, 0 0 4,000, तो टी इज इक्वल टू 6 चौके 24। तो यानी कि दूसरे व्यक्ति ने जो है वो कितने निवेश किए थे, 24,000 रुपए जो हैं वो निवेश किए थे। इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, 24,000 रुपए जो है व्यक्ति ने निवेश किए थे। बहुत ही अच्छी ट्रिक रहती है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इसी क्वेश्चन को कि 2 व्यक्ति थे, 3 साल के लिए इन्होंने सांझे में व्यापार किया, उनको धंधे से जो मिले 50,000 और 60,000 रुपये उनको दे दिए कि भैया तूने ये धंधा किया था और ये तेरा पैसा बन गया 3 साल बाद। मगर अब पहले बंदे के जो है निवेश, यानी कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में की गई थी वो कितनी की गई थी, यानी कि उसने इन्वेस्ट कितना किया था, तो इन्वेस्टमेंट उसने जो है 20,000 की थी पहले बंदे ने, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, उस बंदे के सामने उसकी इन्वेस्टमेंट लिख दी, दूसरे बंदे की इन्वेस्ट लाभ तो है उसको जो प्रॉफिट बताया, पर उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं हमें पता है, तो वो निकालनी थी, तो हम इस प्रकार से जो है कैलकुलेट करके हमने उसकी इन्वेस्टमेंट को निकाला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सेम सवाल रहेगा, इसमें 3 साझेदार हैं जो कि 60,000, 90,000 और एक्स के रूप में लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000, 45,000 और 40,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि जो तीसरा साझेदार है इसने कितना पैसा लगाया है, तो वो इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, 60,000 रुपया एक ने लगाया, ठीक है, दूसरे ने लगाया 90,000 रुपया, ठीक है, तीसरे का हमें पता नहीं है इसलिए एक्स हो गया। मगर प्रत्येक को अवधि में क्या हुआ, 30,000 का इसको लाभ हुआ है, तो इसलिए मैंने 30,000 इसके नीचे लिख दिए हैं, इसने 45,000 रुपए, ठीक है भैया, और इसको हुए 40,000 रुपए, ठीक है भैया। बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर देखिए ये वैल्यूज पूरी की पूरी है, यहां पे पूरी है, यहां पे नहीं है पूरी, तो आप किसी को भी लीजिए, इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए या इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, ये मर्जी आपकी है। तो मैं इसको नहीं ले रहा हूं, मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा हूं, तो इसलिए बीच में मैंने लगा दिया इक्वल टू का, तो 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो गई है, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो 4 दूनी 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 80,000। यानी कि उस व्यक्ति ने कितने पैसे लगाए थे, उस व्यक्ति ने लगाए थे टोटल कुल 80,000 रुपए।
80,000 जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। निकालने का तरीका बताया है, दो साझेदारों का बताया जो पिछले क्वेश्चन में बताया, इन्वेस्टमेंट का कैसे निकालना है। तीन व्यक्ति हो तो देखिए हमें एक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें दो से ही कंपैरिजन से निकल जाता है। तीसरे से भी आप निकालना चाहते तो निकाल सकते थे, सेम प्रोसेस यही रहेगा। तो ये ट्रिक थी आपके लिए, और अब हमारी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं या ट्रिक पे चलते हैं, जिसमें अब समान पूंजियां जो है भिन्न भिन्न समय के लिए ही लगाई गई है। दो व्यक्तियों ने सांझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति ने, ये देखिए पहले बंदे ने जो है व्यक्ति ने 3 साल के लिए पैसे लगाया, दूसरे बंदे ने जो है 5 साल के लिए लगाया है, निवेशित करती है। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हैं, यानी कि दोनों ने पैसा बराबर, यानी कि मान लो लाख लाख रुपए का बिजनेस शुरू किया तो दोनों ने लाख लाख रुपया डाला, मगर एक ने जो 3 साल के लिए डाला और दूसरे ने सीधा 5 साल के लिए डाला मेरे बच्चों, पर बाद में उनको 1,60,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो बताओ कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है। यानी कि दोनों ने समान पूंजियां तो लगाई थी, पर दूसरे व्यक्ति का हिस्सा जो है वो कितना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन को। तो किस प्रकार से हम करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए एक ने 3 वर्ष के लिए लगाया, दूसरे ने 5, तो हमने वर्षों को ही रेशियो मान लेना है कि कितना कितना है। तो वर्ष की रेशियो मानी तो टोटल रेशियो होगी 8। अब दूसरे व्यक्ति का पूछा, ये पहला बंदा था ये दूसरा बंदा था, है ना, पहला बंदा और ये दूसरा बंदा है, तो दूसरे का पूछा, इसलिए 5/8, 5 × 3 = 8 ना, 18 लिख दिया था, 8 × 1,60,000, तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 4, ठीक है जी, 5 × 2 = 10, तो टोटल टोटल उस व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति ने जो पैसे लगाए थे वो लगाए थे 1,00,000 रुपया। कितना लगाया था, 1,00,000 रुपया उस व्यक्ति ने लगाया था। अगर इसी प्रकार से उन्होंने, वैसे तो इस सवाल में दूसरे व्यक्ति का पूछा हुआ है, देख सकते हो आप क्वेश्चन को कि दूसरे व्यक्ति का पूछा हुआ है हिस्सा, मगर मैं पहले व्यक्ति का भी निकालना चाहूं तो पहले का भी ऐसे होगा, 3/8 × 1,60,000, ठीक है बच्चों, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो 3 × 2 = 6, तो दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए थे, 60,000 रुपए कितने लगाए थे, और इन दोनों का अगर जोड़ करें तो 1,60,000 रुपया कुल जो है हिस्सा बना था। तो देख सकते हैं दोनों का जोड़ भी बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अगर मैथमेटिक्स आता है बच्चों तो ऑप्शन में अगर आपको मिल जाता है और आपका आंसर मैच कर जाता है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही हैं। तो इसलिए आपको जो है ये सीरीज हमारी देखते रहना चाहिए, साथ साथ में प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल प्रैक्टिस करिए साथ में ही, ठीक है, कोशिश करिए। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, टाइम अलग अलग लगाया गया है, तो इसलिए देखिए राम और रहीम ने पूंजी लगाकर व्यापार किया, एक ने 8 महीने के लिए, रहीम ने 6 महीने के लिए, तो 8 और 6 महीने को ही आपने रेशियो मान लेना है, ठीक है, इनको यहीं पे प्लस कर लो, नहीं तो 2 के पहाड़े से काट लो, तो ये कट गया, तो 4 × 3 = 7 हो गए, तो ये थोड़ा सा मतलब इजी हो जाता है। अब कुल लाभ कितना है, 4200। अब पूछा किसका है, राम का, यानी कि पहले व्यक्ति का, पहला जो है वो कौन था, राम था, दूसरा जो है वो रहीम है, ठीक है, तो राम का पूछा है तो मैं राम का 4 ऊपर लिख रहा हूं, टोटल रेशियो नीचे लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जो टोटल उनको लाभ हुआ है यानी कि 42,000 का, तो 7×6 = 42, 6×4 = 24, तो 24,000 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया है, आप उन्हीं चैनल्स को फॉलो करिए जिसमें 1 मिनट में क्वेश्चन करवाए जाए, अब उन ट्रिक्स को ना देखें जो ट्रिक्स जो हैं वो बहुत लंबी चले जाती हैं या पेचीदा चले जाती हैं और उस पे समय जो है वो आपका वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है अपने ट्रेडिशनल मेथड्स
जो हम करते आ रहे हैं उनको आप और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वे से आप इन क्वेश्चंस को जो है ट्राई करें। अगले सवाल की तरफ आ गए हैं, जिसमें भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न अलग अलग टाइम के लिए लगा रहे हैं, यानी कि पैसा कोई 6 महीने कोई 2 साल के लिए लगा रहा है। जैसे कि ए बी सी 3 व्यक्तियों ने व्यापार शुरू किया जिसमें 20,000, 25,000, 30,000 लगाए सांझे में। एक ने एक व्यापार शुरू किया, ए ने ए की पूंजी, ठीक है, 3 वर्ष की, बी ने 2 वर्ष के लिए और सी ने 1 वर्ष के लिए लगाए। देखो सभी ने पैसा जो है वो अलग अलग समय के लिए लगाया। यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ है तो बताओ कि बी को कुल कितने रुपए मिलेंगे, बी के पूछे हैं, ठीक है जी। तो अब कैसे करेंगे, 20,000 रुपया ये ए का है, ये बी, ये सी की बात कर रहे हैं, 20,000 रुपया इसका, 25,000 रुपया बी का, सी का 30,000, ठीक है। मैं ए ने जो है 3 वर्ष के लिए लगाया, टोटल पैसा कितना हो गया इसका, 60,000 रुपया। दूसरे ने सिर्फ 2 साल के लिए लगाया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50,000 रुपया, ठीक है भैया। एक ने 1 साल के लिए लगाया तो एक ने 1 साल के लिए लगाया तो एक ही साल चलेगा, तो टोटल हो गया 30,000 रुपया। तो ये इनका जो है टोटल क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई। अब देखिए ये अगर हम प्लस करें तो समय खाता है, तो इसलिए आप इसको जो है 10,000 से कैंसिल कर दो, यानी कि सबकी बराबर बराबर जीरोस गायब हो जाएंगी। तो 6, 5 और 3 टोटल रेशियो कितनी होगी, 6, 5, 11, 13, 14 और 15 टोटल रेशियो होगी 15 की, ठीक है बच्चों। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम जो पूछा है वही करेंगे, यानी कि बी का पूछा है तो बी का अनुपात देखिए, बी का अनुपात कितना है 5, तो बी का अनुपात मतलब लाभ निकालना था तो बी का ही हम अनुपात उठाएंगे 5। टोटल अनुपात नीचे आएगा, टोटल अनुपात इनका, और टोटल कुल जो है इनको लाभ हुआ यानी कि 70,000 रुपए, ठीक है। तो 70,000 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 5, 3, 9, 14 हुए, 15 नहीं हुए, 14 हुए, मैं वही देखूं क्या हो रहा है, 14, ठीक है जी। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 से चला जाएगा, 7 × 7 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल कुल कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए कुल कितने आ जाएंगे, 25,000। ये टोटल यहां पे 14 था, 15 कर दिया था, 25,000 रुपए जो है वो बी को मिलेंगे, ये इसका हल रहेगा। अगला सवाल भी बिल्कुल सही है और सेम सवाल है। रमन और शोरी ने 8 महीने और 6 महीने के लिए पैसे लगाए हैं, ठीक है। रमन शोरी कितने समय के लिए पैसा लगाया है, एक ने 8 महीने के लिए, एक ने 6 महीने के लिए। 8 वाले ने जो है वो 10,000 रुपया लगाया है और दूसरे ने 12,000 रुपया लगाया है। कितना कितना लगाया है, 8 और 10,000 रुपया जो है वो लगाया हुआ है। 8 महीने और 6 महीने के लिए 10,000 और 12,000 रुपया लगाया हुआ है। तो 8 महीने के लिए लगाया तो इसको 8 से गुणा कर दो, एक ने जो है वो लगाया था 6 महीने के लिए तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा इसका, इसका हो गया 80,000 रुपया, इसका हो गया 0, 0, 0, 6 × 12, 1, 6, 72। अब जीरो स्काइप कर दो, 3 जीरो इसके भी कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो इसके भी कैंसिल हो जाएंगे। रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो इसलिए मैं आपको सीधा ही बता रहा हूं। अब 8 से ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 10 ये आ जाएगा, 8 × 9 = 72,
तो ये 9 आ गया, टोटल हो गया 19। ठीक है जी, अब आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है उनका टोटल, यानी कि टोटल यानी कि लाभ क्या दिया है, वो 95,000। जैसे कि व्यापार में हर बार लाभ जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में देख रहा हूं, और रमन का लाभांश पूछा है, तो रमन कहाँ है, ये है रमन। ठीक है, तो रमन की रेशियो क्या है, 10 है, कितनी है 10, तो 10 को ऊपर रख लीजिए, ओवर 19 नीचे आ जाएगा, गुणा कितना लाभ हुआ है, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज 9500, टोटल लाभ कितना हुआ है 95,000, तो 95,000 है तो कितना आ जाएगा आपका 5,000 रुपए, जो कि उसको रमन को लाभ हुआ है। तो ये इसका लाभ निकला है, रमन को कुल लाभ कितना हुआ है, रमन को कुल लाभ हुआ है 5,000 रुपए का, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और इस प्रकार से ये प्रश्न चलते हैं। ये थी सीरीज आज का, ये जो मैंने टोटल आपको बताया है पार्टनरशिप का, आपका उसका ख्याल रखें। हमारा ये रक्षाबंधन फेस्टिवल चला हुआ था और ये चला भी हुआ है अभी, तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ से जो है पटवारी के लिए ले सकते हैं, और दिल्ली पुलिस के लिए भी ले सकते हैं, हिमाचल पुलिस के लिए ले सकते हैं, डिफेंस में भी आ सकते हैं, हमारे अग्निवीर के लिए उसकी भी तैयारी करवाई जा रही है। दिल्ली के करंट अफेयर्स लेने हो आप पहले जो है हमारी ऐप डाउनलोड करें, विजयपथ एजुकेशन की, विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप, और इसमें आप हमारे जो है डेली के करंट फ्री क्लासेस, पेड कोर्सेज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, करंट अफेयर डेली के पा सकते हैं, साथ में वीडियोस के साथ में मिल जाएंगे, फ्री में बुक्स हमारी मिल जाती हैं। तो आप फटाफट इसको डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़े, और कोई भी आपको अगर दिक्कत आती है तो आप जो है हमें कॉन्टैक्ट करिए। तब तक के लिए बने रहिएगा इसी चैनल पे, विजयपथ एजुकेशन के गवर्नमेंट प्रिपरेशन ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।